नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के इस वीडियो में। और इसमें जो है हम बीएससी एंड बीए वालों का जो डेट शीट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बीए वालों का डिस्कस कर लेते हैं, जो भी आर्ट्स स्ट्रीम से स्टूडेंट्स हैं उन सभी का डेट शीट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप जो है देखिए इस पूरे वीडियो को और समझने की कोशिश करिए डेट शीट को। तो पहले हम आर्ट्स वालों का डिस्कस करते हैं, फिर साइंस वालों का करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हम एम करते हैं 250 लाइक का, और कमेंट भी करिएगा नीचे समझ में आने के बाद। MIL में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि MIL पेपर जो है किस किस दिन होगा, हमारा जो 50 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स उर्दू है और 50 मार्क्स इंग्लिश है, तो कैसे होगा, किस दिन पेपर होगा, और दो ऑनर्स पेपर है, मतलब पेपर वन और पेपर टू ऑनर्स है, तो वो एक ही दिन होगा क्या या अलग अलग दिन होगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आर्ट्स वालों को हम बता दें, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में आप जैसा कि देख रहे हैं कि पांच ग्रुप यहाँ पे बनाए गए, ए बी सी डी एंड ई, पांच ग्रुप में जो है सारे ऑनर्स पेपर को बांटा गया है। देखो 11 तारीख को जो है पहला पेपर है फर्स्ट सेटिंग में 9 से 12 के बीच होगा, और दूसरा सेटिंग जो है जो कि सेकंड सेटिंग है 2 से 5 के बीच, तो दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक परीक्षा सेकंड सेटिंग की चलेगी, और फर्स्ट सेटिंग की परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक चलेगी। तो ये जो है पूरा पेपर 3 घंटे का आपका होगा, और आपका जो टोटल पेपर होगा वो 500 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप साइंस से हो या फिर आप आर्ट से हो, दोनों का जो है पेपर 500 मार्क्स का होगा टोटल, ठीक है। तो टोटल पेपर जो है 500 मार्क्स का होगा, उसमें से जो आपको कितने नंबर लाने हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो आपको पहले ही वीडियोस में बता दी गई है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है उस वीडियो का लिंक, जिससे कि आप जान सकते हैं कि कितना मार्क्स आपको ऑनर्स में लाना पड़ेगा पास होने के लिए, और आपको जो है कितना मार्क्स चाहिए सब्सिडरी के लिए। तो ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, सबसे पहले डेट शीट को समझ लेते हैं। तो देखो ग्रुप ए में कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं। ग्रुप ए में जो है हमारा देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि क्लियरली संस्कृत आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है, इकोनॉमिक्स आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, मैथ्स है, हिंदी एंड सोशियोलॉजी है। तो अगर आप ग्रुप ए के स्टूडेंट है, मतलब ग्रुप ए में से किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, तो आपका पहला पेपर जो है ऑनर्स पेपर वन जो है आपका होगा 11 तारीख को फर्स्ट सेटिंग में 9 से 12 के बीच। उसके बाद जो है ग्रुप बी के अगर आप स्टूडेंट है, मतलब ग्रुप बी में से आपका कोई सब्जेक्ट आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, होम साइंस है, उसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस है, इसमें से अगर आपका कोई सा भी ऑनर्स पेपर है तो उसका परीक्षा जो है 11 तारीख को होगा सेकेंड सेटिंग में। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रुप बी 11 तारीख को सेकंड सेटिंग में पेपर वन का आपका जो परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ग्रुप सी की हम बात करते हैं, ग्रुप सी में जो है कौन सा सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री आ रहा है, भोजपुरी आ रहा है, पी कैंड जी आ रहा है, बंगाली आ रहा है। तो इसका जो है पेपर आपको 12 तारीख को होगा और ये फर्स्ट सेटिंग में होगा, ठीक है, पेपर वन होगा, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डी की हम बात करते हैं, ग्रुप डी में यहाँ पे आ रहा है जूलॉजी, इंग्लिश, मैथिली, पर्शियन, LSW, फिलोसफी, AIH एंड सी, बोटनी एंड ज्योग्राफी, ये जो है ग्रुप डी का पार्ट है। तो ग्रुप डी का जो पेपर हो रहा है वो हो रहा है 12 तारीख को, और आपको सेकेंड सेटिंग में ये परीक्षा हो रहा है और पेपर फर्स्ट हो रहा है। तो जो भी ग्रुप डी के स्टूडेंट्स है, आपका पेपर वन पेपर टू होगा, तो पेपर वन का आपका जो परीक्षा हो रहा है 12 तारीख को सेकेंड सेटिंग में। यहाँ पे जो आपको लिखा भी हुआ है पेपर वन, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो जैसे पेपर वन ऐसे करके लिखा हुआ है। अब पेपर टू का कब होगा ये भी आपको जो है समझ में आ ही रहा होगा, फिर भी आप जो है देख लो। यहाँ पे जो ग्रुप ई की हम बात करते हैं, ग्रुप ई में कॉमर्स है, कॉमर्स के लिए हमने ऑलरेडी सेपरेटेड वीडियो बना रखी है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी आ रहा है, तो इसे देखते हैं हम। तो साइकोलॉजी का परीक्षा जो कि होगा 13 तारीख को फर्स्ट सेटिंग में पेपर वन का, यहाँ पे आप देख रहे हो पेपर वन लिखा हुआ है। इसके बाद उर्दू ऑनर्स आ रहा है, उर्दू ऑनर्स का भी जो पेपर वन का जो परीक्षा आपको होगा फर्स्ट सेटिंग में और होगा 13 तारीख को। इसके बाद फिर से जो आप जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है, फिर 13 तारीख को सेकेंड सेटिंग में दिया हुआ है ग्रुप ए का परीक्षा। तो यहाँ पे आप पेपर सेकेंड भी देख रहे हो, तो आपका पहले ग्रुप ए का परीक्षा हुआ होगा 11 तारीख को, इसका सीधे आपका सेकेंड सेटिंग में परीक्षा होगा 13 तारीख को ग्रुप ए वालों का। तो आपका संस्कृत पेपर टू होगा उस दिन, म्यूजिक पेपर टू होगा, इकोनॉमिक्स पेपर टू होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर टू होगा, मैथ्स पेपर टू होगा, हिंदी पेपर टू होगा, और सोशियोलॉजी पेपर टू होगा आपको 13 तारीख को सेकेंड सेटिंग में। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद जो है आपको बी ग्रुप का जो है पेपर सेकेंड होगा 14 तारीख को। तो बी ग्रुप में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनका सेकेंड पेपर यानी सेकेंड ऑनर्स पेपर जो है आपको 14 तारीख को लिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो पेपर सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है। फिर ग्रुप सी वालों का यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो ग्रुप सी हिस्ट्री भोजपुरी पी के एंड जे बंगाली वालों का सेकेंड पेपर जो है आपको 14 तारीख को होगा, यहाँ पे सेकेंड पेपर दिया भी हुआ है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है, सेकेंड ऑनर्स पेपर जो है ये 14 तारीख को होगी। उसके बाद ग्रुप डी वालों पे हम आ जाते हैं, ग्रुप डी पे जिनका भी जूलॉजी ऑनर्स रहा होगा उनका पेपर सेकेंड जो है वो आपको हो जाएगा
17 तारीख को, ठीक है, फर्स्ट सेटिंग में यहाँ पे जैसा कि दिया भी हुआ है पेपर सेकंड। और इसके बाद आ जाता है एंड में ग्रुप ई, यानी कि ग्रुप ई में यहाँ पे कॉमर्स है, कॉमर्स के लिए ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे साइकोलॉजी आता है, उर्दू आता है, तो साइकोलॉजी और उर्दू का पेपर सेकंड जो है 17 तारीख को सेकंड सेटिंग में होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हो गया। अब बात आती है सब्सिडरी की, जैसा कि आप देख रहे हो सब्सिडरी जनरल कोर्सेज। देखो तो जनरल कोर्सेज जिनका होगा वो सीधा पास कोर्स होगा, तो उनको तो कंपलसरी है इसमें से जितने भी डेट्स को जो जो सब्जेक्ट की पेपर पढ़ रही है वो देनी है। लेकिन जिनका सब्सिडरी है, कुछ स्टूडेंट का सवाल यहाँ पे आया कि भाई साहब ये बताइए कि फिजिक्स हमारा सब्सिडरी है, मैथ्स सब्सिडरी है, एक ही दिन पे कैसे हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे मैथ्स के जस्ट नीचे दिया हुआ है आर्ट्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि आर्ट्स में मैथ्स लेते हैं, आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के मैं बता दूं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि आर्ट्स के साथ मैथ्स भी लेते हैं। तो ये उनके लिए है, ये आपके लिए नहीं है कि आपने फिजिक्स सब्सिडरी भी लिया मैथ्स सब्सिडरी भी लिया, आपके लिए यहाँ नीचे दिया गया है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे आपके लिए नीचे दिया गया है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। ये साइंस वालों के लिए जिसका भी जिनका भी मतलब साइंस का सब्सिडरी पेपर है ना मैथ्स, तो उनका जो है 26 तारीख को पेपर हो रहा है, इस पे ध्यान मत देना। फिजिक्स आपका सब्सिडरी है वो 19 तारीख को हो गई होगा। तो चलो हम सीरियल नंबर वाइज करते हैं, उतना आपको उतना सोचने का नहीं है, यहाँ पे सब क्लियरली दिया हुआ है, इसलिए आप लोग घबराओ नहीं। होता क्या है कि जैसे हम लोग डेट शीट देखते हैं ना ऐसा पैनिक कर जाते हैं, तो पैनिक नहीं करने का अपने को, ठीक है। तो फर्स्ट सेटिंग वही रहेगा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, सेकंड सेटिंग में आपको जो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक परीक्षाएं चलेंगी। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हो 18 तारीख को जो है फिर सब्सिडरी एंड जनरल जिनका पास कोर्स होगा, यहाँ पे फिलोसफी का पेपर होगा फर्स्ट सेटिंग में, वोटनी का सब्सिडी का पेपर होगा, और ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो ये कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है ना, ये आर्ट्स वालों के लिए नहीं है, तो बिल्कुल इस पे ध्यान मत देना। फिर 18 तारीख को ना सेकंड सेटिंग में जैसा कि देख रहे हो आप, यहाँ पे होम साइंस का पेपर होगा सब्सिडरी का, जिनका भी होम साइंस सब्सिडरी पेपर होगा उनका जो है सेकंड सेटिंग में 18 तारीख को होगा 2 बजे से 5 बजे के बीच, ठीक है। फिर यहाँ पे देख रहे हो आप 19 तारीख को इकोनॉमिक्स, यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो देख रहे हो ये आर्ट्स वालों का इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स वालों का नहीं है, ठीक है। तो ये आर्ट्स वालों का इकोनॉमिक्स सब्सिडरी है, जिन्होंने भी सब्सिडरी पेपर ले रखा होगा उनका जो है सब्सिडरी का पेपर होगा 19 तारीख को फर्स्ट सेटिंग में। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनका भी सब्सिडरी पेपर में इलेक्ट्रॉनिक्स होगा उनका जो है फर्स्ट सेटिंग में होगा 19 तारीख को 9 बजे से 12 बजे के बीच। फिर 19 तारीख को ही सेकेंड सेटिंग में म्यूजिक सब्सिडरी, फिजिक्स सब्सिडरी एंड मैथ्स सब्सिडरी फॉर आर्ट्स स्टूडेंट, नॉट फॉर साइंस स्टूडेंट। ये जो मैथ्स सब्सिडरी देख रहे हो ना ये सिर्फ आर्ट्स स्टूडेंट के लिए, तो इसे जो है आप ऐसा गोला करके मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ आर्ट्स स्टूडेंट के लिए, ये साइंस वालों के लिए नहीं है, साइंस वालों के लिए नीचे दिया हुआ है जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर 20 तारीख को आप देख रहे हो सोशियोलॉजी केमिस्ट्री सब्सिडरी, और जनरल जिनका होगा कोर्स उनका जो है सोशियोलॉजी और केमिस्ट्री जो है उनका 20 तारीख को फर्स्ट सेटिंग में होगा। फिर 20 तारीख को आप देख रहे हो यहाँ पे साइकोलॉजी का पेपर सेकंड सेटिंग में 20 तारीख को, जिनका भी सब्सिडरी साइकोलॉजी होगा। उसके बाद 21 तारीख को आप देख रहे हैं AIH&C, ठीक है, और ये जो BO है ये कॉमर्स वालों के लिए है, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री जिनका भी होगा सब्सिडरी पेपर उनका 21 तारीख को फर्स्ट सेटिंग में होगा। फिर 21 तारीख को सेकंड सेटिंग में हिस्ट्री का सब्सिडरी पेपर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो 23 तारीख को लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ये सब्जेक्ट शायद आता है आपको कॉमर्स में भी और शायद आर्ट्स में भी, इसका मेरे को आइडिया नहीं है, मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ यार, जो मुझे नहीं पता है उसमें मैं क्यों मत हमारूँ। तो आपको जो 23 तारीख को देखने को मिलेगा फर्स्ट सेटिंग में लेबर एंड सोशल वेलफेयर, जिनका भी होगा जरूर बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में, भाई को नहीं आता इसलिए बता दे रहा है भाई कि मेरे को नहीं आता है, ठीक। फिर 23 तारीख को सेकंड सेटिंग में पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी एंड जूलॉजी सब्सिडरी का पेपर होगा। फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे 24 तारीख, ये 24 तारीख पे ना बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक कर गए, और मैंने पहले वाली वीडियो में बोला भी है क्यों, क्योंकि यहाँ पे MIL NH लिखा है यार, NH का मतलब क्या है, नॉन हिंदी, यानी जिनका भी 50 मार्क्स इंग्लिश, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, जिनका भी 50 मार्क्स इंग्लिश और 50 मार्क्स हिंदी होगा ना उनका पेपर होगा 24 तारीख को, 50-50 मार्क्स का जिनका भी है पेपर, ठीक है, 50 मार्क्स इंग्लिश 50 मार्क्स हिंदी या 50 मार्क्स आपका अगर उर्दू का पेपर आपने ले रखा है तो आपको 24 तारीख को फर्स्ट सेटिंग में जो परीक्षा होगा 9 से 12 के बीच और 3 घंटे के अंदर ही ये दोनों परीक्षाएं होंगी हिंदी इंग्लिश दोनों की, आपसे जो है सिर्फ आपको जो क्वेश्चन पेपर जो है दिया जाएगा आधे आधे टाइम में, मतलब कि 3 घंटा का जो पेपर होगा ना उसमें आपको क्या कहा जाएगा कि आधे टाइम में आप जो है हिंदी के क्वेश्चन का आंसर करो और उसके बाद जो है आपसे वो पेपर ले लिया जाएगा, उसके बाद इंग्लिश का जो है आपको क्वेश्चन का आंसर करने के लिए रहेगा, ठीक है। एक ही दिन पे दोनों पेपर आपके हो जाएंगे, अलग अलग दिन पे नहीं होंगे, उसी दिन पे हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे जैसे कि 23 तारीख को मैंने बता दिया, सॉरी 24 तारीख का बात करते हैं, 24 तारीख को सेकंड सेटिंग में जो है ज्योग्राफी होगा, ठीक है, तो इसलिए घबराने का नहीं है आप लोगों को। और 25 तारीख को उनका होगा जो भी स्टूडेंट जो है आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तो आर्ट्स में जो जनरल वाले होंगे
जिनका पास कोर्स होगा ना सीधा, उनको जो है देना है 25 तारीख को 100 मार्क्स वाला MIL, 100 मार्क्स वाला, ध्यान से देखना 100 मार्क्स वाला। और 50-50 अगर आपका है, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से भी है ना, तो फिर आपको जो है 24 तारीख को ही देना होगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, जिनका भी 50 मार्क्स का इंग्लिश और हिंदी होगा या 50 मार्क्स का हिंदी और 50 मार्क्स का उर्दू होगा ना, उनका 24 तारीख को ही होगा और एक ही दिन पेपर होगा, एक ही सिटिंग में पेपर होगा, अलग अलग सिटिंग में नहीं होगा। फिर 25 तारीख को सेकेंड सिटिंग में जो है LL का पेपर होगा, जो कि 2 से 5 के बीच चलेगा। LL के लिए यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मैथिली, उर्दू, पर्शियन, भोजपुरी, संस्कृत आर वेस्टेड इन LL पेपर। तो इनमें से अगर आपने कोई सा भी पेपर जो है सब्सिडरी में चूज किया होगा ना, तो आपका सेकेंड सिटिंग में जो है पेपर होगा 100 मार्क्स का। अब ये MIL अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ, और ये LL अलग कॉन्सेप्ट है। जिनका भी इंग्लिश LL होगा 100 मार्क्स का, उनका पेपर जो है होगा 25 तारीख को सेकेंड सिटिंग में। जिनका भी आर्ट्स में ऑनर्स होगा उनका ये परीक्षा होगा ही नहीं, MIL का परीक्षा 25 तारीख को होगा ही नहीं, ये बात कान खोल के सुन लो। कब होगा तो इसके लिए नीचे ग्रुप्स बताए गए हैं। अब मतलब समझो इस ग्रुप्स का, यहाँ पे जैसे कि दिया गया 26 तारीख MIL आर्ट्स ग्रुप A&B, यानी कि ग्रुप A&B कहने का मतलब है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ग्रुप ए के आपके जितने भी ऑनर्स पेपर्स है, आप में आपके जो भी इसमें से सब्जेक्ट होंगे ना, ठीक है, आपका मान लो इकोनॉमिक्स ऑनर्स होगा या फिर आपका म्यूजिक ऑनर्स होगा या संस्कृत ऑनर्स होगा, आपका MIL का पेपर जो है वो होगा 26 तारीख को, यहाँ देख रहे हो 26 तारीख को होगा। इसलिए आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जनरल क्लियरली मेंशन किया गया है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स और जनरल यहाँ लिखा गया। तो आर्ट्स वालों का, जनरल वालों का, जो भी जनरल होंगे, पास कोर्स वाले होंगे, ऑनर्स वालों का 25 तारीख को नहीं होगा, ऑनर्स वालों के लिए सेपरेट डेट्स यहाँ पे दिए गए हैं A&B यहाँ पे करके जो बताया गया। फिर 26 तारीख को सेकेंड सिटिंग में साइंस वालों का जो है पेपर होगा, ठीक है, मैथ्स जिनका भी सब्सिडरी मैथ्स होगा, साइंस वालों का, आर्ट्स वालों का नहीं, आर्ट्स वालों का यहाँ पे ऊपर में दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। और यहाँ पे फिर जो 27 तारीख को फर्स्ट सेटिंग में MIL आर्ट्स ग्रुप सी, ग्रुप सी में कौन सा आता है, तो ग्रुप सी में यहाँ पे देख रहे हैं हिस्ट्री, भोजपुरी, बंगाली, जिनका भी ये ऑनर्स होगा उनका MIL 100 मार्क्स का जो परीक्षा है वो होगा 27 तारीख को, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में। फिर 27 तारीख को सेकंड सिटिंग में जो है FA, यानी कि ये तो कॉमर्स वालों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इस पे हम बात नहीं करेंगे। PK&J वालों का सेकंड सिटिंग में फिर जो है परीक्षा होगा 27 तारीख को 2 से 5 के बीच। इसके बाद 28 तारीख को आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसा कि 28 तारीख को MIL 100 मार्क्स का परीक्षा होगा ग्रुप D&E वालों का। ग्रुप D&E में कौन कौन आते हैं, यहाँ पे आते हैं जूलॉजी को हम छोड़ देते हैं, इंग्लिश ऑनर्स आते हैं, मैथिली, पर्शियन, LSW, फिलोसफी, AINH, बोटनी ये छोड़ देते हैं, ज्योग्राफी वाले आते हैं। इनका MIL 100 मार्क्स का पेपर जो है ये होगा आपको 28 तारीख को फर्स्ट सेटिंग में 9 से 12 के बीच। और ई ग्रुप में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पे ई ग्रुप में आप देख रहे हैं साइकोलॉजी एंड उर्दू, जिनका भी साइकोलॉजी एंड उर्दू होगा, साइकोलॉजी एंड उर्दू, उनका जो है MIL 100 मार्क्स का पेपर जो है वो 28 तारीख को होगा फर्स्ट सेटिंग में, ठीक है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर लीजिए, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये है पूरा डेट शीट आर्ट्स एंड साइंस का जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें आपको कोई भी डाउट लग रहा है एक बार कमेंट कर दो नीचे, हम आपका आंसर देने के लिए तैयार हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को दबा के लाइक करो, दबा के शेयर करो, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियोज में, और भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे पूछ लो। जब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।